हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपूर फैमिली व्लॉग्स। गुड इवनिंग। और अभी हो चुका है शाम का टाइम। तो फ्रेंड्स, अभी मम्मी काट रही है यहाँ पे भिंडी, और देख सकते हैं आप। और अभी मम्मी भिंडी काट के जाएंगी कहीं। पापा का ही फोन आया था तो मम्मी को जाना है। पहले मम्मी भिंडी बना के जा रही थी, पर अभी मम्मी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ भिंडी काट के। तो चलो फिर देखते हैं। इतनी सारी भिंडी लेके आ गए, समझ नहीं आ रही कि कितनी भिंडी लेके आए हैं। और अभी आ गई थी मैं रसोई में, क्योंकि ना अभी इनका फोन तो आया था कि मैं आधे पौने घंटे में आऊंगा। तो मुझे लगा अभी तो टाइम है, तो इतने में बच्चों को ना दूध वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे अभी ट्यूशन से आए थे। तो इसीलिए फिर आते ही ना बच्चों को मैं दूध दे देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे खेल में लग जाते हैं ना, तो फिर दूध रह ही जाता है। और फिर इसलिए दो टाइम तो बच्चों को देना ही चाहिए, सुबह और शाम को। रियाना सुबह तो बहुत कम पी के जाती है, उसको मैं कप में देती हूँ। सुबह तो वो बस ड्रामे करती रहती है, मुझे उल्टी हो रही है, ऐसे हो रहा है, तो इसलिए फिर मैं उसको कम देती हूँ। शाम को फिर मैं गिलास में डाल के ना उसे दे देती हूँ दूध। और वाइट वाला दूध तो वो बहुत मुश्किल से पीती है, क्योंकि हॉर्लिक्स की आदत है, वो ख़त्म हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने ना वाइट वाला दूध ही बना दिया था। और अभी मैं कढ़ाई में ना चावल वगैरह रखे हुए थे, उसको भी खाली कर दूँगी। और साथ ही ये जो बर्तन धो के रखे थे ना, इनके लंच बॉक्स वगैरह स्कूल से आते हैं उसी टाइम में ना निकाल देती हूँ। कई बार ना फिर बच्चे तो भूल जाते हैं, इनके भरोसे नहीं बैठ सकते, अगर इनको ना बोलो ना तो फिर ये सुबह तक बैग में ही रहते हैं। इसलिए अब मैं खुद ही निकाल के रख देती हूँ सिंक में, और साथ के साथ ना धो देती हूँ। दूध तो गर्म हो गया है, भिंडी ना मैंने काट दी, मुझे लगा अभी बना लेती हूँ, पर प्याज एक ही है। अब एक प्याज है, भिंडी में प्याज डालेंगे ज़्यादा। अब जब आऊँगी तो आते हुए लेके आऊँगी। तो बस अभी बर्तन धो लेती हूँ, थोड़े से बर्तन भी हैं, फिर से हैं बर्तन, ज़्यादा बर्तन नहीं है। दोपहर में खाना खाया था, वही है, वो धो लेती हूँ जब तक ये आ जाएंगे। दोनों बच्चे ना अभी दूध पी रहे हैं, बस ठंडा हो गया था, दूध दे रही है। और अभी ये आए भी नहीं, और मुझे बोल रहे थे कि मैं ना जल्दी आ जाऊंगा, आधे घंटे में आ जाऊंगा, बस तैयार रहियो, क्योंकि नीचे ना बाजार लगा हुआ है, फिर स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं था। शुक्रवार है ना, और अभी मेरी सब्जी भी बन जाती, पर सब्जी भी कैसे बनती, एक ही प्याज है, प्याज होता तो सब्जी बन जाती। और यहाँ ना मैंने पर्ची निकाल ली है डॉक्टर की, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास दवाई लेने, इस वाले डॉक्टर जिससे तो मैं लास्ट टाइम लाई थी, जो मेरे हाथ में पर्ची है ना। अब मैं जा रही हूँ दूसरे डॉक्टर के, डॉक्टर ही चेंज होते रहते हैं, पर फ़र्क कोई नहीं पड़ता, समझ नहीं आ रहा। इससे ही मैं दो बार दवाई ले आई, जब तक खाते रहो तो सही रहता है दवाई, पर कोर्स कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद फिर दवाई बंद हो जाती है, फिर ऐसे ही हो जाता है। तो अब देखो अब ये डॉक्टर क्या कहता है, कितने दिन हो गए थे मुझे बोल रहे थे आजकल आजकल हो रहा था, तो बस अभी ही आ जाएंगे, फिर जाएंगे, अब सब्जी में आके बनाऊंगी। तो बस अभी आने वाले हैं अभी, और अभी नीचे क्या काफी आ गए पानी दे दे, पहले पानी पी लो ना, फिर चलते मुँह तो धो लो। और अभी जैसे ही मैं वहाँ से आई, बस मैंने मुंह हाथ धोया ना, मैं बैठी आते ही ना रसोई में आ गई, क्योंकि सब्जी बनानी थी और टाइम 8:30 बज चुके थे, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो बस मेरे को लगा पहले सब्जी बनाती हूँ, फिर आराम से बैठूँगी। और वापसी में आते हुए सब्जी भी ले ली थी, ज़्यादा कुछ तो लिया नहीं था, सिर्फ टिंडे प्याज शिमला मिर्च यही सब लिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, और रास्ते में इतना जाम था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सुबह और शाम तो जाम रहता ही है। और डॉक्टर भी शुक्र करो हमें मिल गया, 7 बजे तक ना डॉक्टर बैठता है, और हम लोग 7 बजने में सिर्फ 5 या 10 मिनट बचे होंगे तो हम पहुँचे थे। और ये अपना सारा काम वाम छोड़ के आए थे आज, क्योंकि ना वैसे ये 9:30 बजे तक आते हैं, और आज इन्होंने बोल दिया था मैं आ जाऊँगा, जाने के लिए राजी हो जाइए, क्योंकि मैं ना पता नहीं क्यों मैं दवाइयों से बहुत दूर भागती हूँ, मेरे को दवाई ना अच्छी तो किसी को भी नहीं लगती, मैं शुरू से ही नहीं खाती दवाई,
मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है तो इसलिए मैं इनको ना टाले जा रही थी, पर आज इन्होंने मुझे गुस्से में बोला कि आज मैं आऊँगा जल्दी चल लियो, और देख लो जल्दबाजी में दूध भी गिर गया। इसीलिए ना मैं सब्जी मैं सोचती हूँ कि ना कहीं भी जाओ पहले बना के जाओ, आके ना रफड़ ना पड़े, तो आके बहुत ज़्यादा ना जल्दबाजी हो जाती है। तो मुझे ना चाय भी बनानी थी इसलिए फिर मैंने दूध खोला, नहीं तो दूध तो मैं सुबह ही खोलती, पर मेरे ना माइग्रेन की वजह से इतना गंदे वाला सर में दर्द रहता ना, ऐसा लगता है कि सर की ना कोई नसें खींच रहा हो, ऐसे मेरे को इतना सर्वाइकल का हाथ में दर्द, मेरी गर्दन में दर्द, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब। तो इसलिए फिर मैं दो टाइम तो चाय पीती हूँ, पहले मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती थी। और यहाँ पे पार्सल आया हुआ था, आया तो बड़ी दूर से था, अहमदाबाद से आया था, इन्होंने ना कुछ मंगवाया था तो वहाँ से पार्सल आया था। तो अभी बस चाय के साथ इसको भी देखेंगे इसमें क्या आया है, कुछ खोलेंगे, खाने पीने का सामान ही आया है, अब इतनी दूर से आया है तो देखते क्या निकलेगा इसमें। वैसे तो मुझे पता है, आप लोग भी देखना। और सच में आज तो मुझे ये लग रहा था कि चलो भिंडी बनानी है, वो तो ना जल्दी बन जाती है, बस प्याज काटो, भिंडी डालो, थोड़े बहुत हल्के फुल्के मसाले डालो, बन जाती है। और अगर कोई और सब्जी बनानी होती तो और ज़्यादा रफड़ पड़ जाता। तो हल्दी ख़त्म हो गई थी, पहले मैंने वो डाल दी थी डब्बे में, क्योंकि और अभी आप ये हल्दी का पैकेट देखा ना, ये चार दिन हो गए अभी तक ये यहीं पर पड़ा हुआ है हल्दी का पैकेट, ये शुक्रवार की वीडियो है। ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैं बहुत मुश्किल से सही में सिर्फ एक घर में ना झाड़ू पोछा ही लगता है और कुछ भी नहीं हो पाता, मुझे अपने ऊपर ही इतना गुस्सा चढ़ता है ना, ऐसा कोई मुझे भगवान का बंदा मिल जाए जो मुझे सही कर दे। वड़ा पाव मसाला है, वड़ा पाव मसाला नहीं है। बॉम्बे से आया है, आया है, ये देखिए वहाँ की है, वहाँ से अहमदाबाद से आया है। सींग दाना इसे क्या बोलते हैं? सींग दाना। अच्छा गाय के सींग? गाय के सींग? गाय के सींग नहीं, वहाँ पे मोखरे को सींग दाना बोलते हैं। नहीं गाय के सींग। अच्छा जब भाई छोटा था ना ये आना नहीं थी तो पापा अहमदाबाद गए थे, वहाँ तब लेके आए थे, अभी पापा ने किसी से मंगवाए हैं। जॉब कल आए थे ना, अरे बोले को जॉब कल आते हैं ना, उनसे मंगवाया। मम्मा इसको क्या खाते हैं? जैसे वो मूंगफली होती है खाते? नहीं पहनते ऐसे। इससे वड़ा पाव बनना है? नहीं, वड़ा पाव मसाला दूसरा। चलो बंदर। और अभी चाय वाय पी के आ गई थी मैं रसोई में, बस हमारा तो यही काम है, कमरे से रसोई में, रसोई से कमरे में, ये रसोई नहीं ये दूसरा कमरा है हमारे लिए। तो बस सब्जी बन गई थी, तवा रख दिया था मैंने क्योंकि बच्चों को लग रही थी जोरों से भूख, हम तो अभी खाएंगे नहीं, खीरे काट लिए थे, या ना खीरे ले लेती, कावे शुरू से नहीं लेता ना, तो वो दही ना खीरे वो कुछ नहीं लेता। तो दोनों बच्चों की बस रोटी बन गई थी, उनको दे दूंगी, हम तो बाद में ही खाएंगे। और मैंने आपको पैकेट दिखाया ना, उसमें से दोनों ही मूँगफली निकली, एक मुझे लगा एक में ना वड़ा पाव वाला मसाला निकलेगा, पर एक में मीठी वाली मूँगफली थी, मैंने फर्स्ट टाइम देखी मीठी वाली मूँगफली। मस्त जोक मारा। और अभी ना इनका फोन खराब हो गया, हार्ट बीट चल रही है, कहीं ना ठंडा पड़, हाँ हाँ गर्मैश आ गई। कल भी ना ये फोन ऐसे ही हो गया था, बंद हो गया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, स्क्रीन भी नहीं आ रही, खराब हो गया। और ये कितने दिनों से खराब है, इतनी बार तो इसकी ये डलवा चुके हैं स्क्रीन, और जब से बोल रही हूँ नया फोन ले लो, ले लो तभी। कल चार्जिंग पे लगे ही बंद हो गया था। स्क्रीन टच करो मम्मी पीछे हो जाएगा। अरे ये वो हो रहा है, ये कल की तरह गरम हो रहा है, फट जाएगा। अरे पीछे अरे भागो, फट जाएगा देखो कसम से। स्क्रीन हाथ लगाओ, आप हाथ लगाओ, खत्म। याना ना भाई को बुला रही है, आजा फोन फट जाएगा। और ना कल भी ना ये ऐसे ही हो गया था, तो मैं इनको सुबह बोल रही थी आप ना ऐसा करो, इसको ना थोड़ी देर फ्रीजर में रख दो, ठंडा हो जाएगा। पागल है, अपना नहीं रखा था ओप्पो वाला। अरे पापा डांटेंगे। और फोन पता अब तो बिल्कुल ही, मतलब मुझे लग रहा है खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। मम्मी जब हल्की सी स्क्रीन आई थी, जब वो वाला वो वॉलपेपर आया था, मैंने फ्रीजर में रखा था, खराब हो गया फोन। कितनी बार सही करा चुके और इतने दिनों से बोल रही हूँ नया फोन ले लो, अब बिल्कुल ही जब बंद हो गया ना, अब पता नहीं अब क्या होगा, उसमें फोटो वोटो सब सारा कुछ है इनका, काम का
बैकअप। हाँ तो फिर अब जाके हम नया फोन लेंगे जब जाके वो करना पड़ेगा। इसके ऊपर मात्र 2000 रुपए का लगे। सही बने भंडे। तो चलो देखते हैं अब ये नया फोन लेंगे या क्या करेंगे, इसी को ठीक कराएंगे। अभी मुझे लग निराश आ रहा। क्या करोगे आप, नया फोन लोगे या इसी को ठीक कराओगे? 2000 रुपए आप इसी को ठीक कराओगे अभी भी? 2000 रुपए है भाई, पैसे वेस्ट करे जा रहे हो इसी फोन पे? क्या इससे क्या ज्यादा प्यार है आपको क्या फोन से? है दिखा दिखा दिखा, चालू हो गया, स्क्रीन चालू हो गया, फोन पे ढीट है। नया फोन लेने का जब भी बोलते ना फोन चालू हो जाता है, समझ नहीं आ रही। पैर ठंडा पड़ गया एकदम से, ये ना गरम हो जाता है एकदम से। दिखा लो या तो फोन वाले को कल जाके दिखा लो, या तो मैंने। और अभी मुझे बोल रहे थे मैं नया फोन नहीं लूंगा। ले लो नया फोन है, चलो फिर देखते हैं नया फोन लेते हैं, यही ठीक कराएंगे लग नहीं रहा। चलो सो जाओ, खाना खा लिया ना, चलो। और अभी ना यहाँ से कपड़े वगैरह मैं धोए हुए थे, ये कल के धुले हुए थे, तो अब मैं उतार के रख लूँगी क्योंकि ना फिर कुछ पता नहीं चलता मौसम का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और ये हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। और मैंने आपको बोला था ना कुछ पता नहीं चलता, शुक्र है मैंने कपड़े उतार लिए थे बाहर से। और देखो सुबह सुबह बारिश हो रही थी, मैं सुबह उठी मुझे लगा इतने टाइम तक तो रोशनी हो जाती है, आज अंधेरा अंधेरा से क्यों लग रहा है। और जब देखा तो इतनी तेज़ बारिश। और अच्छा हुआ मैंने रात को ही ना कपड़े ना उतार के अंदर रख लिए थे। और आज बच्चों की फरमाइश पे ना कुछ अलग ही लंच बन रहा था उनके ले जाने के लिए, क्योंकि रोटी सब्जी खा के ना मेरे बच्चे बोर हो गए। उन्होंने बोला मम्मी आप रोटी सब्जी देते रहते हो, आज हमें कुछ अलग सी चीज़ लेके जानी है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई हेल्थी सा कुछ नाश्ता बना देती हूँ तुम्हारे लिए। ये कावे की फरमाइश थी, उसने बोला था मुझे पनीर वाले रोल लेके जाने हैं और उसमें ना हरी लाल पीली शिमला मिर्च डाल देना। चाउमिन में से तो निकाल देते हैं, और सच में लाल वाली और पीली वाली शिमला मिर्च हमने पूछी 150 रुपए की दो मिल रही थी, तो इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया। हमने कहा हम लेके हरी वाली शिमला मिर्च जाते हैं, अगर बच्चों ने क्या पेट में ही तो जाना है, खाना ही तो है, इतनी महंगी 150 रुपए की कौन लेगा। तो यहाँ पे बस पनीर को मैं ना लंबे लंबे करके काट दिया था, और साथ में बस नमक और थोड़ी सी मैंने देगी मिर्च डाली थी, दूसरी हरी मिर्च मैंने डाली नहीं थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स हल्की सी, साथ में डाले मैंने ऑरगैनो, और थोड़ा सा मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया था एक थोड़ी, ये बना दिया था उसमें रोल में ना भरने के लिए, जिसे कहते हैं पनीर वाले जो रोल होते ना काठी रोल, यही मैंने शायद सुना है। तो आज बच्चों के लिए वो बन रहा है ले जाने के लिए अलग से, क्योंकि बच्चे लेके आ रहे तो बच्चों को थोड़ा सा ना वो हो जाता है। और यहाँ पे पति देव भी आ गए हैं मेरी हेल्प कराने सुबह सुबह, क्योंकि ना ये फिर बोलते हैं कि मुझे ना उठा दिया कर, ये बहुत वो करते हैं कि हाँ भाई तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अकेली तू कहाँ लगी रहेगी। पर मैं ना इनको उठाती नहीं हूँ, पर आज ये फिर अपने आप ही उठ गए थे। इनको पता था कि अलग से अगर ऐसी कोई चीज़ बनती ना तो फिर ना कुछ ज़्यादा ही ना काम ना बढ़ जाता है, तो इसलिए फिर मैंने रोटी भी बना दी थी। और यहाँ पे ये रोल बना देंगे, बस पैक कर देंगे, बस ऐसे इसमें ये जो है सॉस वगैरह लगा दी है, और उसके बाद ये जो बनाया था वो हमने डाल दिया है, साथ में ऊपर से प्याज और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। और सच में बहुत टेस्टी बने थे, बच्चों ने बड़े मज़े से खाए, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाए, बच्चों को बहुत अच्छे लगे। तो अब कावे ने मेरे को बोल दिया मम्मी मेरे को बुधवार को और शनिवार को बना के देना। मैंने कहा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हफ्ते में एक दिन तो हो सकता है, दो दिन नहीं हो सकता। रोटी सब्जी खाने की भी आदत उनको है बहुत अच्छे से है, वो बिना सब्जी के तो लेके ही नहीं जाते, ये उनमें बड़ी अच्छी आदत मैंने डाली है, उनको अच्छी आदत है। तो बस यहाँ पे पहले याना ने बोला मैं एक लेके जाऊंगी, पर उसने बोला कि भाई अगर लेके जा रहा है तो मैं भी दो लेके जाऊंगी। तो चलो फिर वीडियो का यहीं एंड करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। शाबाश बेटा।